मेरे पूरे देशवासियों ना कर्ण मोड़ी की तरफ से भारत माता की जय। आज मेरी रिक्वेस्ट केवल एक बरादरी से नहीं, मेरे देश में रहने वाली 36 बरादरियाँ हैं जो मेरे देश के अंदर रहती हैं, एक साथ रहती हैं मिलजुल का। विशाल जूद यू एक ऐसा नाम है उस बंदे ना अपने देश के तिरंगे के गेला जो अपमान कुछ खालिस्तानी लोगों ने कर रखा था नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। जो सिडनी में प्रोटेस्ट हो रहा था नहीं, लोग मोदी को गालियां दे रहे थे, हमारे देश के तिरंगे को जमीन पे गेर के मटिया तेल गेर के आग लगा रहे थे, उस बंदे ना उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और उसका हर जाना उस बंदे ना आज पिछले 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया की पार्कली कोरेक्शनल सेंटर ब्लैक टाउन में जो है मैक्सिमम सिक्योरिटी जिसमें बड़े बड़े मर्डरर रहा, पिछले 3 महीने से उसकी काल कोठरी में बंद है वो बंदा। क्यों? उसका गुनाह सिर्फ एक है कि उसने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जो हमारे देश को गंदी गंदी गालियां दे, तिरंगे का अपमान करे, हमारे देवी देवताओं को गालियां दे। भाई इस चीज का जुर्माना वो बंदा अपना फ्यूचर बिगाड़ का भुगतेगा के? आज हमारी कली कली बरादरी की एक जिम्मेवारी है कि उस भाई की सपोर्ट करी जाए चाहे किसी भी तरीके से। आज हमारे देश के वहां पॉलिटिशियन कड़ा बैठ गए हैं जाका जो बात करे करे थे कि हम भाईचारे के साथ हैं, बड़े बड़े MLA जो हो गए, CM हो गए। मेरी सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे वो हमारा MLA हो कोई, चाहे हमारा CM हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, अगर कोई एक सच्चा हिंदुस्तानी विदेश में बैठ कर हमारे देश का अपमान नहीं सहन कर सकता है नहीं, तो उसका अरजाना वो अपना फ्यूचर बर्बाद करके नहीं भुगतेगा। आज का हिंदू है ये, 36 बरादरियां एक समान है, इकट्ठी खड़ी हैं, इकट्ठी खड़ी रहेंगी। इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेवारी हमारी है और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। मेरी 36 बरादरियां से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो उसका विशाल जूद के पक्ष में आवाज उठाओ, उसना न्याय दिलाओ। जो आज ऑस्ट्रेलिया की सरकार ना, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ना ऑर्गेनाइज क्राइम दंगा भड़काने के मामले में गिरफ्तार कर रखे, कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो हमारे ही देश में पैदा हुए। जिसना आज भी मेरे कुछ लोग न्यू कहें कि भाई है हमारे, वहां हमारे तिरंगे ना जड़ावा है, देवी देवताओं ते गाली देवा, उस बंदे ना वह चीज सहन नहीं करी, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो आज हमारा हक बना कि उस चीज के खिलाफ हम भी आवाज उठावा और उस भाई की सपोर्ट करा। जय श्री राम। हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो उसका विशाल जूद के पक्ष में आवाज उठाओ, उसना न्याय दिलाओ। जो आज ऑस्ट्रेलिया की सरकार ना, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ना ऑर्गेनाइज क्राइम दंगा भड़काने के मामले में गिरफ्तार कर रखे, कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो हमारे ही देश में पैदा हुए। जिसना आज भी मेरे कुछ लोग न्यू कहें कि भाई है हमारे, वहां हमारे तिरंगे ना जड़ावा है, देवी देवताओं ते गाली देवा, उस बंदे ना वह चीज सहन नहीं करी, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो आज हमारा हक बना कि उस चीज के खिलाफ हम भी आवाज उठावा और उस भाई की सपोर्ट करा। जय श्री राम। मेरे पूरे देशवासियों ना कर्ण मोड़ी की तरफ से भारत माता की जय। आज मेरी रिक्वेस्ट केवल एक बरादरी से नहीं, मेरे देश में रहने वाली 36 बरादरियां ते हैं जो मेरे देश के अंदर रहती हैं, एक साथ रहती हैं मिलजुल का। विशाल जूद यू एक ऐसा नाम है उस बंदे ना अपने देश के तिरंगे के गेला जो अपमान कुछ खालिस्तानी लोगों ने कर रखा था नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। जो सिडनी में प्रोटेस्ट हो रहा था नहीं, लोग मोदी को गालियां दे रहे थे, हमारे देश के तिरंगे को जमीन पे गेर के मटिया तेल गेर के आग लगा रहे थे, उस बंदे ना उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और उसका हर जाना उस बंदे ना आज पिछले 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया की पार्कली कोरेक्शनल सेंटर ब्लैक टाउन में जो है मैक्सिमम सिक्योरिटी जिसमें बड़े बड़े मर्डरर रहा, पिछले 3 महीने से उसकी काल कोठरी में बंद है वो बंदा। क्यों? उसका गुनाह सिर्फ एक है कि उसने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जो हमारे देश को गंदी गंदी गालियां दे, तिरंगे का अपमान करे, हमारे देवी देवताओं को गालियां दे। भाई इस चीज का जुर्माना वो बंदा अपना फ्यूचर बिगाड़ का भुगतेगा के? आज हमारी कली कली बरादरी की एक जिम्मेवारी है कि उस भाई की सपोर्ट करी जाए चाहे किसी भी तरीके से।
आज हमारे देश के वहां पॉलिटिशियन कड़ा बैठ गए हैं जाका, जो बात करे कर रहे थे कि हम भाईचारे के साथ हैं। बड़े बड़े MLA जो हो गए, CM हो गए, मेरी सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे वो हमारा MLA हो कोई, चाहे हमारा CM हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, अगर कोई एक सच्चा हिंदुस्तानी विदेश में बैठ कर हमारे देश का अपमान नहीं सहन कर सकता है नहीं, तो उसका अरजाना वो अपना फ्यूचर बर्बाद करके नहीं भुगतेगा। आज का हिंदू है ये, 36 बरादरियां एक समान है, इकट्ठी खड़ी है, इकट्ठी खड़ी रहेंगी। इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेवारी हमारी है और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। मेरी 36 बरादरियां से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो उसका विशाल युद्ध के पक्ष में आवाज उठाओ, उसना न्याय दिलाओ। जो आज ऑस्ट्रेलिया की सरकार ना, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ना, ऑर्गेनाइज क्राइम दंगा भड़काने के मामले में गिरफ्तार कर रखे, कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो हमारे ही देश में पैदा हुए। जिसना आज भी मेरे कुछ लोग न्यूका हैं कि भाई हैं हमारे, वहाँ हमारे तिरंगे ना जड़ावा है, देवी देवताओं ते गाली देवा है, उस बंदे ना वह चीज सहन नहीं करी, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो आज हमारा हक बना कि उस चीज के खिलाफ हम भी आवाज उठावा और उस भाई की सपोर्ट करा। जय श्री राम।